इस लॉकडाउन में सब हैं घर पर और हर वक्त कुछ चटपटा खाने की डिमांड बनी ही रहती है और हर बार हम यही सोचते हैं कि क्या बनाएं। तो फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए लेकर आई बिल्कुल मार्केट वाला नाचोस। लग रहा है ना बिल्कुल मार्केट वाला, पर सच मानिए घर के बने हुए नाचोस हैं, वो भी बिना मक्के के आटे के, और इतने क्रिस्पी क्रंची है कि बस आप इसे खाते ही रह जाएंगे। और मसाले भी इतने सीक्रेट हैं कि आप सिर्फ 5 रुपये में इसे बनाकर तैयार कर सकते हैं। तो आज मैं आपके साथ ऐसी रेसिपी शेयर करने वाली हूँ जो कॉर्नफ्लोर से नहीं, जो मक्के के आटे से नहीं, चावल के आटे से हम बनाने वाले हैं। और इस लॉकडाउन में मक्के का आटा ढूंढना बहुत मुश्किल है और मिलना भी बहुत मुश्किल है। तो आज हम बनाएंगे चावल के आटे से बने हुए क्रिस्पी कुरकुरी मंची सी नाचोस। तो शुरू करते हैं फ्रेंड्स। ये बहुत ही क्रंची है और आप इसे घर पर बनाकर तैयार कर सकते हैं बहुत ही आसानी से और बहुत ही कम सामान में। मैं हूँ रेनू और आज आपका गूगल किचन में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, हमने लिया है ये एक बड़े साइज़ का प्याज लिया है, जिसे हमने मोटे मोटे टुकड़ों में कट कर लिया है। थोड़ा सा लिया है काली मिर्च, थोड़ी सी लिए जीरा और 8 से 10 लिए लहसुन की कलियाँ, जिसे हमने छील लिया है। अब हम इसे ग्राइंडिंग जार में अच्छे से मिक्स कर लेंगे और बिल्कुल बारीक मिक्स कीजिएगा ताकि वो नाचोस के साथ अच्छे से मिक्स हो जाए। ये हमने गैस ऑन कर लिया है और रख दिया है कढ़ाई, और डाल देंगे हम 1 गिलास पानी और हम 1 गिलास ही लेंगे चावल का आटा। ये हमने डाल दिया है टेस्ट के हिसाब से नमक, और ये जो हमने बारीक पेस्ट करके रखा है ऑनियन का, वो डाल देंगे। ये देखिए डालकर हमें इसे अच्छे से कर लेना है मिक्स। ये देखिए बिल्कुल हमने अच्छे से कर लिया है मिक्स। और थोड़ा सा डाल देंगे हम वेजिटेबल ऑयल, अगर आपको पसंद हो ऑयल तो भी आप डालिए, अदरवाइज़ ये ऐसे भी बहुत ही क्रिस्पी बनकर तैयार होता है। ये देखिए थोड़ी थोड़ी सी बॉयल आनी शुरू हो गई है पानी में। अब हम डाल देंगे चावल का आटा, ये उसी 1 गिलास के ही नाप से है, और कप के नाप से ये 1 कप है बिल्कुल आटा। ये देखिए हम डाल के इसे अच्छे से कर लेंगे मिक्स। अगर लगे कि थोड़ा सा बैटर थिक हो गया है या लगे कि बहुत पतला हो गया है, तो पतला हो जाए तो आप थोड़ा सा आटा मिला लीजिए, और अगर गाढ़ा हो गया तो हल्का सा पानी डाल के उसे, जैसे हम आटा बनाते हैं डो, बिल्कुल वैसा ही बना कर तैयार कर लेना है। ये देखिए बिल्कुल हो गया, हमें इसे 1 मिनट तक पकाएंगे, 1 से 1.5 मिनट में ये अच्छे से थिक हो जाएगा और एक अच्छा सा डो जैसे बनना स्टार्ट हो जाएगा। ये देखिए बिल्कुल सारा बैटर एक जगह इकट्ठा हो गया है। ये देखिए अब हम इसको निकाल लेंगे एक बाउल में ठंडा होने के लिए, हमें बहुत ठंडा भी नहीं करना है नहीं तो बहुत सख्त हो जाएगा। हल्का जितना गुनगुना रहना चाहिए जिसे आप हाथ से छू सके, और थोड़ी सी डाल देंगे हींग और हाथ में थोड़ा सा ऑयल लगा लेंगे, और सबको एक मिलाकर अच्छे से बिल्कुल अच्छे से मसलते हुए हम एक आटे की डो जैसे बनाकर तैयार कर लेंगे। फ्रेंड्स, यकीन मानिए बहुत ही टेस्टी नाचोस बनकर तैयार होते हैं, बच्चों को भी बहुत ही पसंद आते हैं। शाम को आप जब भी आप चाय पीते हैं तो आपको ये नाचोस बहुत ही अच्छे लगेंगे चाय के साथ, आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिए। ये लीजिए हमने अच्छे से एक डो बनाकर तैयार कर लिया है, ये हल्का ठंडा भी हो गया है। ये देखिए हम इसे छोटे छोटे पेड़े जैसे रोटी बनाते हैं वैसे बना लेंगे, और उसे एकदम अच्छे से बेल देंगे, बहुत ज़्यादा पतला नहीं बेलना है हमें, नहीं तो फिर वो फ्राई करते रहें एकदम सिकुड़ जाएंगे, इसलिए हमें बहुत पतला इसे नहीं बनाना है। एकदम रोटी जितनी बनाते हैं आप मीडियम साइज़ की, वैसे ही आपको बनाकर इसका तैयार कर लेना है। ये देखिए जैसे मैं दिखा रही हूँ, और किनारे से अगर फट जाए फ्रेंड तो आप बिल्कुल टेंशन ना लें कि किनारे से फट रहा है, ये हम वैसे भी इसे चाकू से कट करके इसे निकालने वाले हैं। ये देखिए ये हो गया है तैयार, और किनारे किनारे से हम कट कर लेंगे। हम इसके शेप बिल्कुल मार्केट वाले नाचोस की जैसे ही रखेंगे ताकि देखने में इसका लुक बहुत इंटरेस्टिंग लगे, और खाने में इसका टेस्ट तो मतलब माइंड ब्लोइंग है ही। ये देखिए हमने इसे कट कर लिया है, किनारे से भी हम इसे एक बराबर कर लेंगे, इसे भी हम निकाल देंगे साइड से। आपके आपको जैसे साइज पसंद हो छोटे बड़े, आप उसी हिसाब से नाचोस बनाकर तैयार कर सकते हैं। ये देखिए हमने इसे बिल्कुल नाचोस मार्केट में जो मिलते हैं बिल्कुल वैसा ही मैं बना के इसे तैयार कर रही हूँ। फ्रेंड्स, ये बहुत इंटरेस्टिंग है, आप चाहें तो इसमें बच्चों को भी इन्वॉल्व कर सकते हैं, बच्चों को बहुत मज़ा आएगा ये बनाने में। ये देखिए कितने अच्छे दिख रहे हैं ना, बिल्कुल मार्केट जैसे। अब हम इसे फोक की हेल्प से बीच बीच में इसे हम होल जैसे करते हैं ना, बीच में फोक से हम वैसे बिल्कुल कर देंगे ताकि ये डालने के बाद फूले ना। अगर हम ऐसे डाल देंगे तो ये तुरंत पूरियों के जैसे फूल जाएंगे। देखिए हम फोक की मदद से हम इसे होल कर लेंगे छोटे छोटे ताकि ये फूले ना और बिल्कुल क्रिस्पी क्रंची बने और अच्छे से सिक भी जाए। ये देखिए इसकी थिकनेस आप देख सकते हैं, हमने बहुत मोटा भी नहीं किया है, बहुत पतला भी नहीं किया है। ये देखिए हमने इसे कर लिया, और तेल हो गया है गर्म, और इसे बिल्कुल मीडियम टू लो फ्लेम पे ही फ्राई कीजिएगा, बिल्कुल हाई पे मत कीजिए तो फटाफट से लाल हो जाएंगे। तो हमें ऐसे नहीं करने हैं, हमें बिल्कुल क्रंची बनाने हैं, इसलिए मीडियम टू लो पे ही इसे बनाने वाले हैं।
और जितने आपकी कढ़ाई में स्पेस हो आप उतना ही डालिए, बहुत ज़्यादा भी मत डाल दीजिए, उससे सिकने के लिए अच्छे से जगह मिलनी चाहिए। ये देखिए हमने डाल दिया है और अच्छे से इसे हिलाते हुए दोनों साइड से उलट पुलट कर हम बिल्कुल गोल्डन ब्राउन और क्रिस्पी होने तक हम इसे बनाएंगे। ये देखिए हल्के से ब्राउन दिखने लगे हैं, ये हमें अच्छे से इसे ब्राउन करना है, नहीं तो फिर क्रिस्पी नहीं बनेंगे। अगर आप ऐसे निकाल देंगे तो क्रंची नहीं होंगे। ये देखिए लग रहे हैं ना कितने अच्छे दिख रहे हैं ना कढ़ाई में फ्राई होते हुए, और देखकर सबको सबके मुंह में पानी ज़रूर आ जाएगा, इतनी अच्छी रेसिपी है ये। फ्रेंड्स अगर वीडियो अच्छी लगेगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिएगा और अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ ये वीडियो ज़रूर शेयर कीजिएगा। फ्रेंड्स ये देखिए हम इसका मैजिक मसाला बनाने वाले हैं। ये हमने लिया है मैगी मसाला और थोड़ा सा लिया है काला नमक और थोड़ी सी उसमें हींग डाल दी है, बस हो गया आपका मैजिक मसाला तैयार। फ्रेंड्स ये बहुत टेस्टी मसाला है, आप अगर पसंद है तो इसमें लाल मिर्ची पाउडर भी ऐड कर सकते हैं, पर बहुत तीखा हो जाएगा इसलिए मैं बच्चों के लिए बना रही हूँ तो मैंने इसमें ज़्यादा डाला नहीं है तीखा। अगर आप लोगों को पसंद हो तो आप इसमें डाल सकते हैं लाल मिर्च पाउडर। और ये देखिए अच्छे से हम कर लेंगे इसे मिक्स। ये देखिए बहुत ही क्रंची क्रंची है, क्रिस्पी है और टेस्ट तो माइंड ब्लोइंग है। फ्रेंड्स आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिए। लीजिए तैयार हो गया आपके चावल की नाचोस बिल्कुल मार्केट स्टाइल। ये देखिए जब भी आप इसकी क्रिस्पनेस देखिए बहुत ही क्रिस्पी क्रंची बना है। ये देखिए आपको आवाज़ इसकी सुनाई दे रही होगी कितनी क्रिस्पी बनी है कितनी क्रंची बनी है। फ्रेंड्स आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिए और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको ये क्रिस्पी नाचोस कैसे लगे। चावल के आटे से बने हुए बिल्कुल बेसिक सामान में, इसमें अलग से कुछ भी आपको मार्केट से लाने की ज़रूरत नहीं है, इतनी अच्छी रेसिपी है। तो प्लीज़ अब ये रेसिपी अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा ताकि वो भी इस लॉकडाउन में घर पर बैठ के इतने यम्मी नाचोस इन्जॉय कर सकें। सो ऐसी ईजी यूनिक और हेल्दी कुकिंग के लिए देखते रहिए गोकुल किचन। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, थैंक यू।